जम्मू कश्मीर के शोपियां में बीती रात से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर जारी, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। दिल्ली के ऐतिहासिक राजपथ का नाम अब होगा कर्तव्य पथ, मोदी सरकार बदलेगी नाम, 9 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन करेंगे। राहुल गांधी ने गुजरात दौरे में मुफ्त वादों की झड़ी लगाई, 300 यूनिट फ्री बिजली, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया। तेलंगाना के सीएम केसीआर का भी ऐलान, 2024 में मोदी को हटा दो तो पूरे देश के किसानों को तेलंगाना की तरह फ्री बिजली। बीजेपी संगठन और केंद्र सरकार के बीच आज बड़ी बैठक, मंत्रियों के साथ अमित शाह और जेपी नड्डा करेंगे विभागों के कामकाज की समीक्षा, 2024 के चुनावों की तैयारियों पर होगा मंथन। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी और उसके 5 नेताओं को भेजा कानूनी नोटिस, अपने खिलाफ लगाए आरोपों पर 48 घंटे में मांगा जवाब। दिल्ली बीजेपी के सभी विधायक राष्ट्रपति से मिलकर केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग करेंगे। लखनऊ के लुलू मॉल में नमाज का एक और वीडियो वायरल, वीडियो में एक महिला नमाज पढ़ते दिखाई दी, जी न्यूज वीडियो की पुष्टि नहीं करता। यूपी में मदरसों के सर्वे के खिलाफ आज जमियत उलेमाए हिंद की दिल्ली में बड़ी बैठक, योगी सरकार ने दिए हैं गैर सरकारी मदरसों के सर्वे के आदेश। मुंबई में अमित शाह का उद्धव ठाकरे पर निशाना, कहा बीएमसी चुनाव जीतकर बीजेपी उद्धव को दे गहरा घाव, अगर महाराष्ट्र पर चाहिए कंट्रोल तो बीजेपी को जीतनी होगी मुंबई। 4 दिन के भारत दौरे पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, आज करेंगी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात, रक्षा व्यापार समेत 7 समझौते हो सकते हैं, भारत को बताया सच्चा दोस्त। एशिया कप के सुपर 4 में आज भारत और श्रीलंका का मुकाबला, मैच हारे तो फाइनल की राह होगी मुश्किल।